हेलो एवरीवन, मैं अपूर्वा शर्मा, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की कोफ्ता करी। पनीर की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम इस कोफ्ता करी को थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में और अलग टेस्ट के साथ बनाएंगे, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ते। 250 ग्राम पनीर मैंने क्रम्बल करके रखा है, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अभी इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, तो मैंने एक प्याज कट किया है। और अभी डालेंगे एक हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक बारीक कट किया है। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच के करीब ओरिगेनो डाल दें। एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें एक नींबू का रस। ये हमने 1/4 कप मैदा लिया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे। ये बाइंडिंग का काम करता है। आप चाहें तो नींबू की जगह चाट मसाला डाल दें या फिर एक चम्मच अमचूर डाल दें। और अभी हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, यहाँ पर पनीर बॉल्स अच्छे से बन रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी है और हम पनीर बॉल्स इसमें रख देंगे। हल्का सा प्रेस करते हुए हम कोफ्तों को राउंड शेप में बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बॉल्स बने हैं। यहाँ पर हमने सभी कोफ्ता बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। उसके लिए मैंने तेल पहले से ही कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो हम उसमें कोफ्ते डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। जैसे हम पकोड़े तलते हैं वैसे ही इन्हें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इन्हें ना तले, क्योंकि ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही इनमें गोल्डन ब्राउन आ जाएगा वैसे ही हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमें इन्हें चारों तरफ से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और अभी हम इन्हें एक छलनी में निकालेंगे और नीचे एक हमने प्लेट लगा दी है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो निकल जाएगा। सभी पनीर कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी हम चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। इस पर मैंने एक पैन रखा है, अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे 5-6 कलियाँ, 2-3 टुकड़े अदरक के डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 10-15 काजू और इन्हें हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। ये फ्राई हो गए हैं और अभी हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। तो यहाँ पर मैंने आधा प्याज कट किया था और इसे भी थोड़ा फ्राई करेंगे करीब 2 मिनट के। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर कट किए हैं और इसे भी सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे करीब 2 से 4 मिनट इन्हें फ्राई करेंगे। ये थोड़े फ्राई हो गए हैं और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद एक बार हम इसे खोलकर थोड़ा ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम वापस इसे ढककर कुक करेंगे। पाँच मिनट हो गई है तो ये अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और गैस की फ्लेम मैं कर दूंगी बंद और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है और अभी हम इसे डालेंगे जार में। और अभी हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। अभी हम फिर से गैस पर पैन रखेंगे और अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा ऑयल करीब 3 चम्मच के। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद हमने डाला एक फूल
और साथ ही डाला है हमने बड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। अभी हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़े फ्राई हो गए हैं तो अभी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा फ्राई करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि तेल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था वो। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर तेल में डालने से अच्छा कलर आता है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अभी से। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी को हम मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। मसाले को हमने 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पर पका लिया है और मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी, करीब आधा ग्लास के। जिस जार में हमने पेस्ट बनाया था उसी में हमने पानी डालकर इसमें मिक्स किया है। अभी हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हम इसे थोड़ा फ्राई करेंगे करीब 2 मिनट के लिए। आप चाहे तो अब इसमें से बड़ी इलायची, फूल और दालचीनी का टुकड़ा निकाल सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर क्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और अभी हम इसे ढककर कुक करेंगे करीब 5 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम हम कर देंगे लो। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि मसालों का कलर रिच हो गया है और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कोफ्ते करी में डाल देंगे। अगर हम कोफ्ते करी में पकाएंगे तो ये खुल भी सकते हैं। ये बेस्ट टिप है कि आप गैस को बंद करके करी में कोफ्ते डालें। और इन्हें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर कोफ्ता करी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। और सर्व करने के लिए अभी हम एक बोल लेंगे और सब्जी को हम इस बॉल में निकाल लेंगे। और ये हमारी मज़ेदार कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही टेस्टी है और इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व करें या इस पर थोड़ी सी क्रीम डालकर भी सर्व कर सकते हैं ताकि ये एकदम रेस्टोरेंट जैसी लगे। वैसे ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें।